हेलो एवरी वन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस एंड इन द सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू पी एस सी सी सेट टूडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहा है ओके okay? अब आप देखिए कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट इन यू पी एस सी सी सेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड द क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन में से भी पाई चार्ट का क्वेश्चन था बट पाई चार्ट इज नॉट शोन इन द क्वेश्चन व द नॉलेज ऑफ पाईचार्ट टू सोल्व दिस क्वेश्चन अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको ईजिली कर लोगे बट अगर नहीं तो आप नहीं कर पाओगे अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है क्या आपके पास क्या पाई चार्ट गिव द एक्सपेंडिचर ऑन फाइव डिफरेंट आइटम्स ए बी सी डी ई इन ए हाउस होल्ड अब यहाँ पे फाइव आइटम्स है और वो पाई चार्ट के अंदर कह रहे हैं फाइव आइटम्स है इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट दैट मीन्स दिस कंप्लीट स्लाइड इज कम्प्लीट इन फाइव वन टू थ्री फोर एंड फाइव लाइक दिस ओके और इसको वो क्या कह रहा है? दिस इज ए बी सी डी एंड ई क्लियर अभी क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि दिस इज द कोरोस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ बी सी डी ई बी सी डी ई का एंगल गिवन है आपके पास कितना एंगल है कोरोस्पॉडिंग एंगल ऑफ बी दिस इज 90 डिग्री क्या कह रहे हैं दिस इज नाइन्टी डिग्री ओके सी इज फिफ्टी डिग्री ओके डी इज फोर्टी फाइव डिग्री एंड दिस इज सेवेंटी फाइव डिग्री सेवेंटी फाइव डिग्री एंड नाउ द क्वेश्चन इज वाट कि ये बताओ कि जो ए है ए का एक्सपेंडिचर कितना है एंड द एक्सपेंडिचर शुड बी इन परसेंटेज एक्सपेंडिचर किसमें चाहिए मुझे परसेंटेज के अंदर चाहिए देन यू शुड नो कि जो कंप्लीट पाई चार्ट है दिस कंप्लीट पाई चार्ट रिप्रेजेंट 360 डिग्री कितना रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री व्हेन दिस इज रिप्रेजेंटिंग इन एंगल्स ओके एंड व्हेन वी दिस इज रिप्रेजेंटिंग इन परसेंटेज इन दैट केस दिस रिप्रेजेंट कंप्लीट हंड्रेड परसेंट बस ये इतना सा पॉइंट है इफ यू नो दिस पॉइंट देन यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास यस yes, आपके पास है ए बी सी डी और e. सभी का सम टोटल अब मुझे पता है कितना है दिस इज 360 डिग्री दिस इज 360 डिग्री और मेरे पास बी सी डी ई की वैल्यू है दैट मीन्स आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर ए ए की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ क्या है पास दिस इज 90, 50, 45 एंड 75 कितना हो गया आपके पास यस दिस वैल्यू इज दिस इज 140 फोर्टी एंड दिस इज 120, 160, 260 हो गया दैट मींस ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास दिस इज 100 ये सारा इधर से मैंने माइनस कर दिया द वैल्यू इज 100 और 100 क्या है 100 डिग्री दिस डाटा इज इन डिग्री ओके दैट मीन्स की ए की वैल्यू क्या है आपके पास हंड्रेड डिग्री जब मेरे पास डाटा हंड्रेड डिग्री का है ए के अंदर तो एक्सपेंडिचर मुझे कैसे फाइंड आउट करना है देन व्हाट इज द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए आई वांट टू नो दिस वैल्यू इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज एंड आई नो दैट थ्री सिक्सटी डिग्री दिस कंप्लीट थ्री सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू वट दिस इज हंड्रेड देन वन डिग्री इज इक्वल टू वट हंड्रेड बाई 360 एंड दिस 100 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट दिस इज 100 बाय 360 सिक्सटी इंटू ओके कितना हो गया आपके पास ये हो गया 25 से गया. ठीक है सो दिस विल बी 250 बाय 9 250 बाय 9 बाई नाइन आंसर विल बी व्हाट आंसर विल बी ऑप्शन डी आई होप सभी को क्लियर है

कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो ओके एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ओके सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ थैंक यू